Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the gene complementation. Gene dissection के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जीन कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं जीन कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है. ठीक है, तो बात करेंगे जीन कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में. जीन कॉम्प्लीमेंटेशन जैसा कि नाम में है, कॉम्प्लीमेंट करना. व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंटेशन? अगर कॉम्प्लीमेंटेशन के टर्म को ही समझा जाए तो कॉम्प्लीमेंटेशन होता क्या है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीन कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है. अगर जीन कॉम्प्लीमेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कोई भी चीज़. जैसे क्या होता है कि जस्ट सपोज़ आपके साथ कि आपके मोबाइल में टॉक टाइम नहीं हुआ, आपके मोबाइल में टॉक टाइम नहीं हुआ, अपने फ्रेंड से बोले कि हाँ ये जो है कि यूज़ कर लीजिए ये मेरा फ़ोन और कॉल कर लीजिए कहीं पे, तो आपका काम हो गया, आपका काम हो गया. या कहते हैं कि इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब भी कोई अनदर जीन, कहते हैं अनदर जीन प्रेजेंट. ठीक है, प्रेजेंट एट द डिफरेंट लोकेशन कैन सो द कॉम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, जैसे समझने की कोशिश करिएगा कि अगर एक जीन है यहाँ पे कैपिटल ए, दिस सोज द कलर फॉर द रेड, एंड यहाँ पे एक जीन है दैट इज़ द कैपिटल बी, ये भी आपको रेड कलर शो करता है. अगर ए प्लस और बी प्लस का कंडीशन हो, ए और बी प्लस दोनों प्रेजेंट है तो रेड कलर शो कर रहा है. अगर इसी में मैंने क्या किया कि ए प्लस के जीन को हटा दिया, ए माइनस हो गया लेकिन अभी भी बी प्लस यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी भी बी प्लस है, तो ये रेड कलर शो करेगा कि नहीं करेगा? ये रेड कलर शो करेगा, दैट शोज द रेड कलर. मतलब ये क्या कर रहा है, बी जो है वो ए को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि चलिए ठीक है, अगर आप नहीं भी हैं तो भी मैं रेड कलर प्रोड्यूस कर दे रहा हूँ. ऐसे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन. ऐसे फिनोमिना को ही कॉम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है, व्हेन वन जीन कॉम्प्लीमेंट द अनदर जीन. नाउ एक बात आती है कि कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप की बात आती है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जीन, कॉम्प्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप. ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है अगर आप लिंकेज ग्रुप समझते हो. ठीक है, लिंकेज ग्रुप समझने की कोशिश करिएगा. देखिएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कैपिटल ए, इसी के जस्ट बगल में कैपिटल सी, इसी के जस्ट बगल में कैपिटल डी है, और यहाँ पे है दैट इज़ द बी, यहाँ पे क्या है, बी है. और एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से डिलीट करते हैं, इस सेगमेंट को डिलीट करते हैं अगर यहाँ से, तो ए सी डी तीनों जाएंगे. डिलीट किया तो ए सी डी तीनों जाएंगे, जब लिंकेज इन दोनों में शो करेगा, लिंक रहेंगे, एक ही ग्रुप में रहेंगे. जैसे कहते हैं कि अगर किसी को पार्टी में भेजना, कहीं पे आप ट्रिप पे जाते हो तो हमेशा अपने ग्रुप के साथ जाते हैं, तो ये भी अगर यहाँ से निकलेगा तो ग्रुप के साथ जाएगा. देखने की कोशिश करिएगा, ग्रुप के साथ जाएगा, ए सी डी गायब, लेकिन बी यहाँ पे इनके साथ नहीं जाएगा. और कॉम्प्लीमेंटेशन क्या सेम ग्रुप का करेगा? कॉम्प्लीमेंटेशन जो शो होगा वो सेम ग्रुप में होगा, कभी भी सेम ग्रुप में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. हियर इज़ नो कॉम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम ग्रुप कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं शो कर रहा है, सेम ग्रुप शो नहीं कर रहा, जबकि डिफरेंट ग्रुप कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है. डिफरेंट ग्रुप में पाया जाने वाला जो जीन होता है वो आपके कॉम्प्लीमेंटेशन शो करते हैं. तो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप की बात करते हैं तो दो तरीके के कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंटेशन शो करने वाले और एक कॉम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करने वाले. चलिए बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंटेशन अगर है, देखिएगा, अगर कॉम्प्लीमेंटेशन है दो जीन के बीच में, इफ़ देयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंटेशन इन टू जी बिटवीन द टू जीन्स एस और नो, या तो कॉम्प्लीमेंटेशन हो सकता है या तो नहीं हो सकता. कॉम्प्लीमेंटेशन बिटवीन टू जीन, दो जीन के बीच में अगर कॉम्प्लीमेंटेशन है यस, और दो जीन के बीच में है तो नो. आप देखने की कोशिश करिएगा कि अगर ये कॉम्प्लीमेंटेशन दो जीन के बीच में है यस और नो, तो यहाँ पे क्या केस हो जाएगा, इस केस की समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस को जनरली हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और नो को डिनोट करते हैं निगेटिव से. अगर पॉजिटिव है, शो कर रहा है, मतलब क्या कंक्लूजन होगा
क्या कंक्लूजन होना चाहिए यहाँ पे, दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट ग्रुप. जैसा कि अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंटेशन तभी शो करेगा इफ़ दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट ग्रुप. वो क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करेंगे. लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंटेशन शो नहीं होता, दैट मीन्स दे बिलोंग टू द सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप. दे बिलोंग टू द सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप. अगर वहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो डिफरेंट ग्रुप होगा, अगर कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो सेम ग्रुप में बिलोंग करेंगे. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ज़रा सा एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे होता है. जस्ट सपोज 1, 2, 3, 4, चार डिफरेंट ग्रुप है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपके चार ग्रुप्स हैं. ठीक है, चार ग्रुप्स है, कैसे कॉम्प्लीमेंटेशन होगा देखने की कोशिश करेगा. आपको इस तरीके से डेटा दिया रहता है, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्या 1-1 के साथ कभी भी कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेगा, कभी नहीं करेगा. ठीक है, कभी भी नहीं करेगा. जी तो यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा कि ये जो हो जाएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा. 1, 2, 4, ठीक है, ये रहा. अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है कि आपके कॉम्प्लीमेंटेशन को शो कर रहा है. कॉम्प्लीमेंटेशन को शो कर रहा है मतलब 1 जो है किसके साथ कॉम्प्लीमेंटेशन को शो कर रहा है, 3 के साथ. यानी ये दोनों अलग ग्रुप से बिलोंग करेंगे. 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 4 नेगेटिव. मतलब 1 किसके साथ आएगा, 1, 2, 4 बिलोंग टू द सेम ग्रुप, क्योंकि ये नेगेटिव है, नो कॉम्प्लीमेंटेशन, सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे. और 1 जो होगा, 3 जो होगा अकेले होगा, जो कि क्या करेगा, 3 जो होगा अकेले होगा, जो कि क्या करेगा, अकेले सेम वो ग्रुप होगा, द सेकेंड ग्रुप. ठीक है, ये भी सेकेंड ग्रुप होगा, अकेले है, सेम ग्रुप में होगा, एंड सेकेंड ग्रुप. तो दो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनेंगे, एक 1, 2, 4 का, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव है तो सेम ग्रुप, अगर यस है तो डिफरेंट ग्रुप. सेम ग्रुप का मतलब 1, 2, 4 एक साथ आएंगे, और आपका 3 जो होगा वो अकेले आएगा. तो ये दो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनेंगे. अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप आर देयर, कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है, तो कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप आपके यहाँ पे बनेंगे, दैट इज़ द 2. 2 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है, 1, 2, 4 एंड द 3. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं. कुछ एग्जांपल्स अगर पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करिएगा. ठीक है, इसको जैसे कि एक ही एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिएगा कि कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनेंगे. देखने की कोशिश करिएगा, 1, 1, 3, 5, 6 निगेटिव को देखना है. आपको ट्रिक्स क्या करना है, बस निगेटिव को देखना है और उनको साथ रखना है. अगर मैं ट्रिक की बात करूं, इफ यू वांट टू नो द ट्रिक, ठीक है, अगर ट्रिक की बात करूं तो क्या करना है आपको, सी द निगेटिव. ठीक है, अगर ट्रिक की बात करेंगे तो सी द निगेटिव, कहाँ किसके किसके साथ निगेटिव हो रहा है, और उनको सेम ग्रुप में, उनको क्या कर दीजिए, कीप इन सेम ग्रुप, कीप इन सेम ग्रुप. यही करना है आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. चलिए क्वेश्चन को जो मैं बता रहा था, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा. क्या है 1, 3, ठीक है, 1, 3, 5, 6 क्या जाएगा, एक ग्रुप बनेगा 1, 3, 5, 6 का, पहला ग्रुप. दूसरा देखिएगा 2, 4, 7 दूसरा बना, 2, 4, 7 का एक ग्रुप बना. उसके बाद ये बनेगा 5, 6 का तो बना ही हुआ है. अब आप देखिएगा 2, 4, 7 का बना हुआ है, दिस इज 6 का बना हुआ है. इसके बाद जो आएगा 1, 3, 5, 6, 2, 4, 7 दिस इज 8, 9. देखिए निगेटिव को देखेंगे, 8, 9 का एक ग्रुप बनेगा और ये बनेगा 10. ये क्या बना, ये हो गया 10. तो चार टोटल कितने ग्रुप्स बने, टोटल चार ग्रुप्स बने. और चार ग्रुप्स बनने के बाद इसमें से ये सारी चीज़ें हुई. इस तरीके से एक क्वेश्चन और देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप होंगे. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें बात करते हैं, तो 1, 3, 4 ये बना, 1, 3, 4 देखा, देखिए 1, 3, 4. उसके बाद देखेंगे 5, 6 बना, और फिर आपका
टू अकेले है, टू अकेले है तो टू बना। अब इनको देखिएगा कि ये किस पाथवे के साथ आ रहा है। देखिए वन थ्री फोर किसके साथ आ रहा है, ए के साथ आ रहा है, ए और डी के साथ आ रहा है। वन थ्री फोर देखिए वन और वन डी ए एंड डी के साथ आ रहा है। वन थ्री फोर आ रहा है ए डी के साथ। फाइव सिक्स किसके साथ आ रहा है, बी के साथ आ रहा है। और सी और ई के साथ आ रहा है टू, सी और ई के साथ आ रहा है टू। तो ये आप इस तरीके से कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जस्ट सी द नेगेटिव एंड मेक देम इनटू द सेम ग्रुप गाइस। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, लाइव भी पढ़ाता हूँ, तो आप सीख सकते हैं अनअकैडमी पे मुझसे। क्या करेंगे, आपको जस्ट मेरा नाम सर्च करना होगा, वीरेन सिंह सर्च करिए और जाइए प्रोफाइल पे, फ्री लेसन्स देखिए। आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा लाइव मिनट्स ले चुका हूँ। मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे तो कुछ फ्री लेसन्स आपको मिलेंगे, कुछ फ्री डेमो वीडियोज़ भी मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उनके अलावा रेफरल कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा जब भी आप इसको सब्सक्राइब करें। दिस इज़ VIREN, दैट विल गिव यू द 10% डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।